सबसे पहला चक्र जो हम लोगों का मूलाधार चक्र संगीत से कोऑर्डिनेट करेंगे तो सा इस चक्र के लिए बना है। सा सा का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास के क्रम में ध्यान रहे दिल कहते बिल्कुल सीधे आंखें बंद सजगता इन सातों ध्वनि पर। अगला चक्र स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे शरीर के टेल बोन पर स्थित है। संगीत में रे इस चक्र के लिए माना गया है। रे अगला चक्र है मणिपुर चक्र। संगीत में मणिपुर चक्र के लिए ग स्वर यूज किया गया है। ग अनाहत चक्र के लिए मा अगला चक्र विशुद्धि चक्र के लिए संगीत में स्वर है प प चक्र संगीत में ध स्वर है आज्ञा चक्र के लिए अगला चक्र एवं अंतिम चक्र स्वादिष्ठान चक्र सहस्त्रार चक्र सातवां चक्र जिसे कहते हैं इसके लिए स्वर है नी नी। इस तरह से हम लोग ये आरोह का अभ्यास था। अवरोह में भी अभ्यास कर सकते हैं। सा सहस्त्रार नी आज्ञा था धा विशुद्धि प अनाहत मा मा। मणिपुर ग ग स्थान रे रे मूलाधार सा सा। दूरी तय कराएगा उसी तरह से शरीर में मूलाधार का साधना जो हम लोग का एनस होता है उसका साधना कुछ यौगिक क्रियाएं हैं उस साधना के लिए। जैसे हम लोग बंध जो है वो तीन प्रकार का फिजिकली होता है। जालंधर बंद होता है। जालंधर बंद में गहरी श्वास लेते हैं फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। एक्सेल करने के बाद दोनों हथेली से घुटनों पर प्रेशर और धीरे से चिन को डाउन करते हैं। जितना देर संभव हो श्वास को रोकना है और अभी के समय में ये बंद का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कोरोना के काल में ये अभ्यास करने से आपका लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है। इंटरनली आप स्ट्रांग होते हैं। सिंपल पहला बंद जालंधर बंद चिन कर डाउन करके होल्ड करना है ब्रीथ। सेकेंड बंद जो है उसको बोलते हैं हम लोग उड्यान बंद। इस बंद में पेट को जितना संभव हो अंदर की ओर खींचते हैं। सेम प्रोसेस है। गहरी श्वास अंदर लेते हैं
फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, दोनों हथेली से घुटनों पर प्रेशर, ये इसका टेक्निक है। तो सबसे पहले जालंधर बंध लगाना है होल्ड करने के बाद, फिर धीरे से पेट को अंदर खींचना है, जितना देर संभव हो श्वास को रोकना है, मेंटली काउंट करना है, जितना देर आप श्वास रोकेंगे तो आप देखेंगे बॉडी के अंदर उतना डेड सेल्स जो सुसुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है हम लोग के शरीर के अंदर, वो सारा सेल्स एक्टिव होगा, बॉडी आपका एनर्जेटिक हो जाएगा, आप ऐसे ही इंटरनली हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ये सेकेंड बंद, फिर धीरे से चिन अप करेंगे और ध्यान बंद को रिलीज करेंगे। जो लास्ट बंद है वो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मूल बंद, वेरी इंपॉर्टेंट बंद, गहरी श्वास, सेम प्रोसेस लेते हैं इसमें, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, दोनों हथेली से घुटनों पर प्रेशर, सीक्वेंस वाइज में जाना है, पहले जालंधर बंद, फिर उड्डयन, उड्डयन बंद लगाने के बाद फिर मूल बंद, मूल बंद में क्या करना है, एनस और जो आपका सेक्सुअल पार्ट है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींचना है जितना पॉसिबल हो, है ना, ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, जितना संभव हो सजगता मूलाधार चक्र पर, एनस पर, सेक्सुअल पार्ट्स पर बनाए रखना है जितना देर संभव हो, फिर मूलाधार चक्र को रिलीज करना है, रिलैक्स करना है, एनस पेट ढीला, चिन को रिलैक्स करना है, गहरी श्वास अंदर। तो ये अपने आप में एक अनूठा अभ्यास है और ये अभ्यास आप किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के गाइडेंस में ही करें, खुद से आप घर में ना करें। और मूलाधार चक्र का रेगुलर जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर एक चेंजिंग आएगा, आप इमोशन में कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग इमोशन में किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, इमोशनली आपको ये स्ट्रांग करेगा। मन बहुत चंचल होता है ना, अधिकतर का मन चंचल होता है, ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये हो जाता वो हो जाता है ना, तो मन को भी कंट्रोल करता है ये मूलाधार चक्र का अभ्यास। तो रेगुलर अभ्यास इसका करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, 2 से 2.5 मिनट है ना, स्टेप वाइज, पहले जालंधर उड्डयन फिर मूल बंद लगाना है। तो नाद योग में बेसिकली इसी का ध्यान हम लोग रखते हैं, 7 स्वर है, 7 चक्र है, जब सा प्ले करते हैं तो मूलाधार पर ध्यान ले जाना है ना, अपने एनस पर, सेक्सुअल पार्ट्स पर सा प्ले करते हुए ध्यान वहां रखना है। तो आपका क्या फायदा हो गया, संगीत का रियाज भी हो गया और आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो गए, है ना, साफ के प्रैक्टिस से संगीत का भी फायदा हो रहा है और योग से भी फायदा हो रहा है ना। सेकेंड रे जो है वो सहस्त्रार चक्र, रीढ़ का हड्डी का सबसे निचला पॉइंट, टेल बोन जिसको बोलते हैं, वो भी आपका स्ट्रेट रहेगा, उस पर आपकी सजगता बनी रहेगी, तब संगीत का रे का भी रियाज हो गया। नेक्स्ट है ग है, ग से क्या ध्यान होगा, नाभि सेंटर, हम लोग ऐसे सामान्यतः नाभि पर ध्यान नहीं ले जाते हैं, लेकिन ये शरीर का एक विशेष भाग है ना, मणि, यहाँ पर रावण कहा जाता है, रामायण में रावण के नाभि में ही सारा राज छुपा हुआ था, है ना, तो हम लोग का शरीर का ये नाभि अंग जो है ये बहुत ही विशेष है, तो नाभि को स्वस्थ रखने के लिए ग का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट है म, अनाहत चक्र, यानी हृदय का, अपने हार्ट सेंटर को, लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए माँ का अभ्यास करते हैं, है ना। नेक्स्ट है प, प का गला को सुरक्षित रखने के लिए, गला आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, गला में कर्कशता है, मोटापन है, आवाज सुंदर नहीं है, है ना, उसको अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए माँ का प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना। नेक्स्ट अभ्यास नेक्स्ट जो है वो प है, प से क्या होगा, आपका आज्ञा चक्र, ऐसे ही करके हर एक स्वर का अभ्यास करेंगे आप, स्वर संगीत का भी फायदा मिल जाएगा आपको, इधर योग का भी फायदा मिल जाएगा, तो फायदा ही फायदा है ना, नाद योग का यही विशेषता है। नाद योग संगीत और योग का मिश्रण है, इस योग से आपको कई लाभ मिलेंगे। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।